600 से 700 साल पुराना है, और इसके बाद इतने साल मिट्टी में दबने के बाद भी इस पर थोड़ा सा खरोच नहीं आया है। इस घड़े का वजन लगभग 1 क्विंटल के आसपास है। अरे 500 से 600 साल पुराना ये घड़ा दिख रहा है। हमारे देश की धरती कहीं सोना उगलती है तो कहीं आश्चर्यजनक सामानों को उगलती है। इसी को लेकर इस समय हम लोग देवरिया जिले के भाटपार थाने के जगताहा गांव में आए हुए हैं। यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये सामने जगताहा गांव है और इसी के जस्ट सामने एक डी बोला जाता है जगताहा गांव का, यहीं पर एक पुराना बड़ा सा कलश निकल कर सामने आया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 दिन पहले की खबर बताई जा रही है। यहाँ पर निकलने के बाद काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, अगल बगल के काफी संख्या में लगभग 1000 के आसपास में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर भाट पर थाने भी कई बार आई और यहाँ पर स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस घड़े में कुछ पुरानी सामाने आभूषण वगैरह शायद निकली थी, जिसे निकालने वाले ने रख लिया और उसके बाद शोरगुल किया कि इस कलश में कुछ नहीं है, इस घड़ा में कुछ नहीं है। वैसे इतिहास के हिसाब से चेरों का जब साम्राज्य था, चेरों का साम्राज्य 1200 ईस्वी से लेकर 1900 शताब्दी तक था, उसी काल में ये लोग बड़े बड़े घड़ों का ऐसे ऐसे सुनसान जगहों पर इस्तेमाल करते थे, झोपड़ी डाल कर रहते थे, जहां बसते थे वहां घड़ा काफी संख्या में पानी भर कर पीने के लिए रखते थे। और ये ऐसे हम लोग कई जगहों पर दिखा चुके हैं जहां पर घड़ा निकल कर सामने आया है ऐसे ही बड़ा बड़ा। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों के हिसाब से जिसको पता लगा वो शायद रात में आकर इसे खोद रहा था और जब शायद इसमें कुछ नहीं था तब शोरगुल किया। अब स्थानीय लोगों के हिसाब से बताया जा रहा है कि जब वो खोदा है तो उसमें कुछ निकला है, वो रख लिया है, उसके बाद गांव नगर में शोरगुल किया है, तब गांव के लोग आए हैं। प्रशासन भी उसके घर कई बार आ चुकी है पता करने के लिए कहीं इसमें से आभूषण तो नहीं निकला है। वैसे प्राचीन समय की जब सामाने मिलती है तो सरकारी होती है, धरती में गड़ा हुआ आभूषण सोना चांदी जो भी मिलता है वो सरकारी होती है। अगर इसमें कुछ मिला होगा तो पुलिस प्रशासन भी कई बार इस गांव में पता करने के लिए आई थी कि कहीं इसमें मिला तो नहीं है। अब आगे देखते हैं, उस घड़े के पास आप लोगों को लेकर चलेंगे, वो घड़ा भी दिखाने की कोशिश करेंगे जगताहा गांव में। और यहां पर देख सकते हैं ये बड़ा सा गड्ढा है, वैसे ही बताया जा रहा है इतना ही बड़ा ये कलश बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों के बताने के हिसाब से लगभग इसका वजन 1 क्विंटल के आसपास है, इस घड़े का वजन। अब चलिए उस घड़े को भी दिखाएंगे और वहाँ जो इसमें खुदाई किया था जो लोग देखे थे उससे भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिर इस घड़े में निकला क्या था, आभूषण था या वैसे ही मिट्टी था। उस घर पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर कलश को लाकर घड़ा को बड़ा घड़ा को रखा गया है और जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो खुदाई किया था रात में खुदाई किया था बिना किसी से बताए, और उस समय स्थानीय लोगों के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसमें से वो खोदने के बाद जो आभूषण या जो भी मिला वो शायद छिपा लिए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन दौड़ लगा रही है और उसके बाद लोगों से बताया गया कि इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर सत्यता को सामने लाने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों का से पूछने की हम लोग कोशिश करेंगे। वही घड़ा है आप देख सकते हैं जो चेरों का साम्राज्य 12वीं शताब्दी से 1900 शताब्दी तक साम्राज्य रहा, और ये इस घड़े का यूज जहां भी वो लोग रुकते थे इस घड़े का यूज करते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भारी भरकम घड़ा काफी 600 से 700 साल पुराना है, और उसके बाद इतने साल मिट्टी में दबने के बाद भी इस पर थोड़ा सा खरोच नहीं आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी गहराई, थोड़ा लाकर इसकी गहराई दिखा दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इस गाँव के लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वैसे पुरातत्व विभाग को जब मालूम चलेगा तो शायद इस घड़े को ले जाकर कुछ जांचें करेंगे कि कितना कई सौ साल पुराना ये घड़ा मिट्टी में दबने के बाद भी अभी तक नहीं टूटा। और इस समय हम लोग भाटपार थाने के जगताहा गांव में उपस्थित है, यहां पर भी लोग हैं और पूछने की कोशिश करेंगे। कब मिला रहोगे घड़ा? 3-4 दिन। 3-4 दिन कैसे मिला? आपके खेत में मिला? मिला काशीनाथ सिंह के खेत में। काशीनाथ सिंह वो कहाँ है? हमारे खुदाई कौन किया? कौन खुदाई किया है? पब्लिक का कोई खुदाई किया? राहुल लड़का। हाँ पहले रहुए लड़का लोग मालूम चला। हाँ मालूम चला, खाली आई ऊपर से आई रहा नीचे ना दिखाई दे तब कुल लड़का उलाखो पर के लड़का अपन गांव के लड़का बकरी छेचरा उतर रहा को अब वही में एक भैंसी के गोड़ पड़ गए और कुल लड़का घास वस डाल के आ माटी वटी भर देना सा मन के गोड़ हाथ टूट जाये। तो एक दिन हमारे लड़का गए ना सा अथी कैला सा
कोरोना सखियाई ता कुराई बिहान कुराई कुल लड़का मने डर के अच्छा मनवा में तो लोग से छिपा के कोरल जा कहीं में से कुछ निकल जाए तो मनवा में ही रहे ना हाँ मान ली भैंसिया गुड़वा में गई रहे तो लोग घास उस डाल के लुकवा देनी लोग के मालूम ना चलो दूसर के आके कोड़ ली रउआ लोग छुपे छुपे कोड़ नहीं लोग का मिलल हो पाँच छः बरसात से सब जगह खतरा आदमी कुछ मिल ना कहीं कुछ ना अब तमाम लगे मेहनत से लोग ओकरा बाद हल्ला कर देवे लोग की घर मिल हाँ केहू छुअत ना कुदारियों को लड़का ना लगात रह कि माने भूत दूत के लेके भूत के हाँ माने तो हमारे लड़का का कर सके छोड़ता लोग मने को कोड़ देता नहीं तो लड़का माने कोड़ुआ सा बहुत नीचे खाली में खड़ा रहा ऊपरा ऊपरा के मुहावा अरे यहाँ पर देख सकते हैं जब ये पहले ये वाला दिखाई दिया तब इनके लड़के गए वहाँ पर घास फूस रख दिए कि दूसरा कोई आकर इसे खोदे नहीं और उसके बाद चार पांच लड़के गए चोरी से खोदने की कोशिश किए कि कहीं अंदर इसमें छुपा हुआ पुराना आभूषण गहना मिल जाए और उसके बाद इसमें से कुछ नहीं निकला तो शोरगुल हो गया कि घड़ा निकला हुआ है पुराना घड़ा निकला हुआ है वहाँ पर लगभग 1,000 के आसपास लोग इकट्ठा हुए होंगे उस समय उतना हुए थे लोग उतना हुए थे पुलिस भी आई पुलिस तो आई थी दो दिन पुलिस आई थी पुलिस का जांच करे आई रहो जांच करे आई रहो लोग की माने कुछ वो की हो कुछ मिला तब कह ए जे कह गए लोग किया थी पुलिस लोग की एमे कुछ नहीं है हम लोग वहां पर गए हैं ए जा दुगाला आई लो माटी के चीज ऐसे कुछ नहीं है एमे रख लीजिए चलिए वैसे पुराने जो राजा व्यापारी वगैरह थे पैसे वाले लोग घड़ा में ही आभूषण पैसा वगैरह सोने का सिक्का वगैरह डालकर मिट्टी में गाड़ देते थे और वैसा कई जगहों पर मिला है भारत वर्ष में वैसे भारत की धरती सोना उगलती है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस घड़े का वजन लगभग 1 क्विंटल के आसपास है अरे 500 से 600 साल पुराना एक घड़ा दिख रहा है जब चेरों का साम्राज्य था उसी समय चेरों का साम्राज्य इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसी के शासन काल में ऐसे घड़ों का प्रयोग ज्यादातर किया जाता था और लोग जहाँ भी ठहरते थे ऐसे मरवा में भी हुआ था कई जगह मैं दिखा चुका हूँ चेरों का साम्राज्य जहाँ भी ठहरता था चेरों का लोग जहाँ भी ठहरते थे ऐसे ऐसे घड़ा वहाँ पर मिल रहा है मरवा में भी ऐसा मिला था मरवा जीरादेई प्रखंड के भी एक गाँव में मिला था केहुनिया में ऐसा घर मंदिर पर रखा गया मंदिर हाँ घरवा का हो घर है कोई का बोलो पुलिस लो ये आप रख लीजिए किसी के मत देना मट्टी के चीज है पानी पीने वाला है पानी पीने वाला चलिए लोग इसमें पानी पीने के लिए यूज में लाएंगे चलिए यहाँ पर सच्चाई क्या थी गांव में ला कर दिखा दिए इस घड़े में कोई आभूषण सोना चांदी नहीं मिला था इसमें मिट्टी भरा हुआ मिला था जो पानी पीने के यूज में पुराने लोग यूज करते थे जहाँ भी ठहरते थे वहाँ पर परिवार के साथ ठहरते थे वहाँ पर घड़ा बनाकर ऐसे ही यूज करते थे अब चलिए सच्चाई क्या थी लाकर आप लोगों के सामने रख दिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।